पूर्व हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान टायसन ने कहा कि मेरा मानना है कि आप जितने गरीब हैं उतने अच्छे मुक्केबाज भी। सबसे सफल मुक्केबाज झुग्गी से ही आते हैं। जो भी मुक्केबाज झुग्गी से आते हैं वो सफल होते हैं। मैं झुग्गी में पैदा हुआ, मेरा सपना था कि मैं झुग्गी से बाहर निकलूं और इसीलिए मैं यहाँ हूँ। अगर कोई कड़ी मेहनत करता है तो झुग्गी से बाहर निकल सकता है। टायसन सबसे कम उम्र के हैवीवेट खिताब जीतने वाले मुक्केबाज हैं। उन्होंने 20 साल 4 महीने और 22 दिनों की उम्र में ये खिताब जीता था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मैचों के दौरान खिलाड़ियों के व्यवहार और नए आरोपों के लिए नियम और सख्त किए हैं। इसे 30 सितंबर से लागू किया जाएगा। आईसीसी बोर्ड ने 2 जुलाई को हुए डबलिन सालाना सम्मेलन में इसे अपनी मंजूरी दी थी। अब क्रिकेट के मैदान में गाली गलौज करना खिलाड़ियों को बहुत भारी पड़ेगा। किसी भी खिलाड़ी के लिए लेवल 3 का दोषी पाए जाने पर उसे अधिकतम 8 से 12 तक निलंबन अंक दिए जाएंगे, जो 6 टेस्ट मैचों या 12 वनडे मैचों के निलंबन के बराबर होगा। मैच रेफरी ही लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के आरोपों पर अपनी सुनवाई करेंगे, जबकि केवल लेवल 4 के आरोपों के लिए सुनवाई न्यायिक आयुक्त करेंगे। पूर्व कप्तान और मौजूदा भारतीय विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ने विकेट के पीछे 800 शिकार पूरे कर लिए हैं। धोनी ने बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में 2 स्टंपिंग करने के साथ ही ये उपलब्धि हासिल कर ली। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले भारतीय और दुनिया के तीसरे विकेटकीपर बन गए। विकेट के पीछे शिकार करने के मामले में दक्षिण अफ्रीका के मार्क वाउचर 998 शिकार के साथ पहले और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट 905 शिकार के साथ दूसरे स्थान पर हैं। भारतीय ओपनर शिखर धवन को एशिया कप में उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला। बाएं हाथ के ओपनर शिखर ने टूर्नामेंट में 5 पारियों में 68.40 के औसत और 2 शतकों की मदद से सर्वाधिक 342 रन बनाए। शिखर ने टूर्नामेंट में हांगकांग के खिलाफ 127 और पाकिस्तान के खिलाफ 114 रनों की पारी खेली थी। उन्हें तीसरी बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला है। 5वीं सीड भारतीय पुरुष टीम ने जॉर्जिया में खेले जा रहे विश्व शतरंज ओलंपियाड में पराग्वे को और महिला टीम ने अर्जेंटीना को मात दी। दोनों टीमों ने आधा के मुकाबले 3.5 के समान स्कोर से जीत हासिल की। भारत के 4 खिलाड़ियों में से 3 ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल की, जबकि 1 मुकाबला बराबरी पर छूटा। पूर्व विश्व विजेता विश्वनाथन आनंद ने अमेरिकी खिलाड़ी से मिली हार से वापसी करते हुए नोरिस डेलगाडो रामिरेज को 26 चालों में मात दी। अलावा के शशिकरण और विधि संतोष गुजराती ने भी अपने मुकाबले जीते। पी हरिकृष्णा का मुकाबला बराबरी पर छूटा। डेस्क डीवी लाइव। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।